नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ स्वीकार भारद्वाज और ये है मेरे साथ मेरी वाइफ, इनका नाम है तनु शर्मा और अब ये है तनु शर्मा भारद्वाज। तो आज ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ जी, क्योंकि जो हमारी शादी हुई है, कल ही हमारी शादी हुई है 26 अप्रैल को, और सिर्फ 50 लोगों की अनुमति थी और 50 लोगों में से भी 6 लोग तो फोटोग्राफर होते हैं, 3 लोग इनके यहाँ से, 3 हमारे यहाँ से, तो 6 तो फोटोग्राफर थे और 2 पंडित जी थे। तो आप सोचो कितना न्यूनतम था वो प्रोग्राम जिसमें इतने कम लोग आ सके। तो मैं आज की वीडियो इसीलिए बना रहा था क्योंकि जीवन भर देखते आए हैं, चलन है के लोगों की शादी में जाते हैं, बहुत से लोग आते हैं, सब लोग आशीर्वाद देते हैं। हम भी खुद भी बहुत लोगों की शादियों में गए हैं, तो ऐसा मन करता है कि जो अपने परिचित हैं, अपने परिवार के लोग हैं, वो सब लोग ज़रूर आएं। तो हमारी शादी में तो सिर्फ और सिर्फ जो बिल्कुल घर के ही लोग थे ना, वही लोग आ सके। और वहाँ भी सब जगह ये कोरोना के चलते सब जगह वो दूरी बनाई हुई थी सब लोगों ने, तो ना ही गले मिल सके, तो वो उस तरीके के रिचुअल्स नहीं हुए। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी खुशी की बात है जी, ऐसे समय में जब पूरी दुनिया के अंदर ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो ऐसे समय में भी ये शादी संपन्न हो पाई, ये खुशी की बात है। इस दौरान जो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, काफ़ी दिन पहले ही शादी की जो फीलिंग आने लग जाती है, वो मुझे तो नहीं आ पाई, क्योंकि मैं, आप लोगों को पता है कि मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था कोरोना की वजह से, मैं भी और मेरे फादर भी। तो एक समय ऐसा आ गया था कि जब मुझे ये लगा था कि अब मैं बचूंगा नहीं, इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे, तब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। और फिर उसके 2 दिन बाद मेरे पापा भी एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल में। तो पापा के जो शब्द थे हॉस्पिटल में, पापा ने मुझे कहा कि भाई ये काम तू निपटा दे, ये शादी वाला जो काम है ना, तो मेरी मदर नहीं है, मेरी मदर 2012 में एक्सपायर हो गए थे और उनकी बहुत बहुत इच्छा थी कि मेरी शादी हो जाए। तो मैंने तब तो की नहीं शादी, अभी मेरी उम्र 34 साल है, 34 ईयर्स, और अभी कुछ दिन बाद मैं 35 का हो जाऊंगा, तो इतनी आयु में भी मैंने शादी नहीं की। मैं पर्सनली शादी मुझे इतनी पसंद नहीं थी, लेकिन ये जो है अब मेरी जो पत्नी बन गई हैं तनु, इनका स्वभाव जो है वो मतलब कोई ऐसा नहीं कि सामने बैठी है तो इसीलिए तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन वैसे भी पीठ पीछे भी अगर मैं इनके बारे में बात करूँ ना, अभी तक की बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं इनको जानता तो पहले से हूँ, मेरी फ़ोन पे इनसे काफ़ी लंबे समय से बात होती है, और इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और ये भी एक यूट्यूबर है और इनका चैनल है स्माइलिंग गर्ल तनु के नाम से, ये मेकअप ट्यूटोरियल वीडियोज़ बनाती हैं, और बहुत अच्छी लड़की है जी। और तो मतलब मैं बता दूं, हमारे ही बिरादरी से ये भी संयोग की बात थी, हम दोनों एक दूसरे को मिले और YouTube के माध्यम से ही मिले, और YouTube पे इन्होंने मेरी वीडियोस देखी होंगी, और वो जो 32 बार का फार्मूला मैं बताता हूँ, ये भी उस फार्मूला की प्रशंसक हैं, तो इन्होंने मेरी वीडियोज़ देखी। और फेसबुक पे इन्होंने मुझे कोई मैसेज भेजा, फेसबुक पे तो हज़ारों हज़ार मैसेज आते हैं, अब भगवान ने शायद मिलना लिखा होगा, कोई बीच में कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन इनका जो मैसेज था वो मैंने रिप्लाई कर दिया, इनका जो फ्रेंड रिक्वेस्ट जो आई थी मैंने रिप्लाई कर दिया, और वहाँ से जान पहचान हुई और जान पहचान से दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई, और बदली तो ऐसी बदली कि दोनों परिवार आपस में जुड़ गए। मेरे परिवार को भी तनु बहुत बहुत पसंद आई है, और आप लोगों की भी जो प्रतिक्रिया थी ना, कल मैं लाइव आया था जहाँ पर मेरी वेडिंग थी, वहाँ से मैं लाइव आया था और तनु भी मेरे साथ थी, और आप लोगों ने, मैंने देखा उस पे नीचे इतने सारे बधाई संदेश दिए हैं हम लोगों को, मैं
हिंदी मेरी ज्यादा गूढ़ हो जाती है कई बार, तो नूबी पूछती है कि कहाँ से सीखी है इतनी ज्यादा हिंदी, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि कहाँ से आती है ये, कई बार हिंदी बहुत ज्यादा आ जाती है। आज तो हम लोग अपने घर पे ही हैं सुबह से, और आज घर पे जो रीति रिवाज होते हैं, मेरी बड़ी सिस्टर आई हुई थी, उन्होंने घर पे जो रीति रिवाज होते हैं वो पूरे करवाए, तो आज घर में हम लोग हो गए। और वो जो अंगूठी वाली जो रस्म होती है ना, उसमें तीन चांसेस होते हैं, तो पहला चांस जो था वो तनु जीत गई, और दूसरा चांस मैं जीत गया, तीसरा मैंने बच्चा समझ के इनको जीतने दिया। मैं वैसे ये तीसरा चांस जीत गई। और एक रस्म वो भी होती है ना, मुट्ठी बंद कर लो और उसमें एक अंगूठी रख लेते हैं और फिर एक हाथ से वो मुट्ठी खोलनी होती है, यार ये तो बहुत ताकतवर है। इन्होंने मेरी मुट्ठी एक हाथ से खोल दी, और मैं तो एक जमाना था जब जिम भी जाया करते थे, दूध मलाई देसी घी खाते थे, तो इन्होंने मेरा सारा देसी घी आज निकाल लिया। तो अच्छा लगा, वो रस्म भी हुई। और अभी ना फोटोज़ जो हैं वो सब फोटोग्राफर के पास ही है, इनके वाली भी और मेरे वाली भी, तो फोटोज़ आएंगी। कुछ हमारे मोबाइल फ़ोन में क्लिक हुई हैं, जो बच्चों ने किए हैं घर में क्लिक, तो वो फ़ोटोज़ आपको भेजेंगे। और जो लोग मेरी शादी में नहीं आ सके, एक तो मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा कि आप लोगों को मैं बुला ही नहीं सका, क्योंकि हालात ऐसे थे। आपको पता है शादी के दिनों में भी मैं थोड़ा सा ऐसा इंसान हूँ, और तनु ने भी कुछ इतने ज़्यादा लोगों के इंसिडेंट सुनने को आ रहे हैं कोरोना को लेके, कि लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं और ना ही बेड मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही लोगों को। तो अंदर से ना मैं देखता था, जब मैं छोटा था ना तो हम कभी बीमार हो जाते थे तो मम्मी मेरी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसे बोलती रहती थी। तो मैं भी कभी कभी रात को, जब अभी तन्नु तो कल ही आई है मेरे साथ, इनके आने से पहले मैं मन में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, वो बचपन की बातें याद आ जाती है, और मैं बोलता था भगवान किसी तरीके से ठीक कर दो सबको। मेरे कज़न हैं, बड़े भैया हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बीमार हैं। भाभी का मैसेज आया था कल के कहीं से, भैया अगर बेड अरेंज हो जाए तो अगर हॉस्पिटल के अंदर, तो बहुत बहुत परेशानी आई जी देश में। हमारा जो 32 बार कम्युनिटी है वो एक परिवार है, तो वहाँ पे हज़ारों हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, तो जब मैं उसको स्क्रॉल करके देखता हूँ ना, तो बहुत बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे परिवार में ये लोग कोरोना से ग्रसित हैं और आप उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। मैं आपको दिल से बताऊं जी, जो कोई भी मैं पढ़ता हूं या नहीं भी पढ़ता, मैं भी और तनु भी, हम लोग दिल से ना, मतलब शादी की खुशियां एक तरफ हैं, लेकिन भगवान ना, मतलब अगर मैंने कोई पुण्य कर्म किए हो तो प्लीज़ इस बीमारी को जल्दी से जल्दी हमारे देश से दुनिया से, इसको बीमारी को जल्दी से जल्दी ले जाओ। और क्योंकि किसी के भी परिवार का ना, मैं हॉस्पिटल में था, किसी के भी परिवार का कोई सदस्य जब हॉस्पिटल में होता है ना, तो वो सहन नहीं होती वो बात ना, कि भाई हमारा कोई अपना ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है। तो मेरी दिल से दुआएं हैं जी सब लोगों के लिए ना, हम लोग दिल से दुआ करेंगे कि बहुत जल्दी सब लोग ठीक हो जाएंगे। और शादी बहुत अच्छी गई जी, छोटा फंक्शन था, परिवार के सब लोग आए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, और मतलब अच्छा रहा, सब लोग बहुत बहुत खुश होके गए, जितने भी लोग आए थे। तो उसमें जो हमने गाना भी गाया, मैंने जब मैं भी हैरान था, जब फेरे चल रहे थे तो जो फेरे करवा रहे थे वो तनु के मौसा जी थे, वो बड़े पंडित जी हैं, तो वो फेरे करवा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब तक आपकी वधू आएगी जी, तब तक आप उनके लिए, हम लोग तो मंत्र पढ़ेंगे, आप उनके लिए कोई गाना गाना चाहो। तो छोटी सी गैदरिंग थी, 10-15 लोग आसपास बैठे थे, और उसी के बीच में मैंने गाना भी गाया। इतने मैं भी हैरान था, इतनी बड़ी बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं और मैं गाना गा रहा था कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तो अच्छा रहा जी, एक छंद बनाने होते हैं, मैं ही बोलता जा रहा हूँ, सॉरी। मैं अभी इनको भी, इनका नंबर आएगा ठीक है ना, तो ऐसा आप लोग भी सोच रहे होंगे कैसा लड़का है, तो बोलने नहीं दे रहा अपनी वाइफ को।
छंद की बारी आई थी, छंद सुनाने होते हैं तो मुझे तो छंद आते नहीं थे, लेकिन हाँ ये पता था कि छंद पकैया, छंद पकैया, छंद के ऊपर छंद ऐसा कुछ बोलते हैं, फिर उसके बाद बना लो। तो इनके जो जीजा जी हैं वो देखने में ना बिल्कुल आदित्य पंचोली लगते हैं देखने में, तो मैं तुरंत ही छंद तैयार किया कि छंद पकैया, छंद पकैया, छंद के ऊपर क्या बताया था, हाँ छंद पकैया, छंद पकैया, छंद के ऊपर चोली, सबसे प्यारा मेरा साडू, देखने में बिल्कुल आदित्य पंचोली तो वो देखने में आदित्य पंचोली, ऐसे बहुत सारे छंद भी बनाए, तो अच्छा लगा जी। बहुत सारी रस्में हुई, रिबन कटाई की, और मैं पर्सनली ना पता नहीं क्यों मैं ये सब रस्में जो है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, जब ये हो भी रही थी ना, मतलब होने से पहले मैं तन्नू को फ़ोन पे कई बार हमारे ना आपस में हल्का फुल्का झगड़ा हो जाता था, मैं बोलता था यार मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद, और शादी हो गई ख़त्म, बात हम लोग आपस में मिल गए, तो लेकिन तन्नू को तो ये सब चीज़ें पसंद थी, इनको पसंद था। ये देखो इन्होंने मेहंदी लगवाई है, इतनी सुंदर मेहंदी इनकी है, मैंने भी लगवाई थी मेरे वाली जो है वो क्योंकि मैंने इनसे 2-3 दिन पहले लगवाई थी, और मेरे वाली जो है वो फीकी होती जा रही है क्योंकि पानी से हाथ वगैरह धोना, तो बहुत अच्छा लगा जी। कल तो हम लोगों ने वो पहने हुए थे कपड़े शादी के, मैं कल जब हम लोग आए अपने रूम में तो मैं कम से कम नहीं था, मैंने ना इनको 100 बार बोला होगा, मैंने कहा यार मुझे ना सपना लग रहा है बिल्कुल कि मेरी शादी हो गई है, मतलब क्योंकि मैंने जीवन काल में ना मेरे घर वालों ने, रिश्तेदारों ने बहुत सारे रिश्ते दिखाए, 100 से भी ज़्यादा देख लिए होंगे रिश्ते, लेकिन कुछ ऐसा संयोग था कि नहीं, कहीं पे मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था। मैंने ये कहा था कि जब तक मुझे यहाँ से आवाज़ नहीं आएगी ना, चाहे सारी दुनिया खिलाफ़ हो जाए, मेरे पापा से मेरी बहुत तकरार होती थी मेरी शादी को लेके, सब रिश्तेदार जहाँ जाओ, और मैं पेशे से वकील हूँ तो कोर्ट में जाता था तो अक्सर सारे के सारे जितने भी वकील दोस्त साथी हैं सब विवाहित हैं, तो वहाँ जब जाता था तो कोई ना कोई तंज, कोई ना कोई ताना, अरे वकील साहब अभी तक शादी नहीं करी, हम तो सोच रहे थे आपके 2-3 बच्चे होंगे, तो खैर ऐसी बहुत सारी बातें थी जी। लेकिन जीवन में जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है, और वो हुआ, और बड़ा अच्छा लग रहा है जी, मतलब अब मैं हूँ तन्नू के साथ और हमने खूब बातें करी हैं अभी तक, और अभी बातें तो बहुत बहुत सारी करनी हैं, हमसे कुछ त्रुटियां भी हो रही होंगी मैं मानता हूँ, और हम उन त्रुटियों पे भी ध्यान देंगे और पूरी कोशिश करेंगे जी। मेरा एक वो सपना है कि एक ऐसा हॉस्पिटल निर्माण करना है जिसमें जब जो कोई इलाज के लिए आए ना उससे 1 रुपया भी ना लगाया, उसका 1 रुपया भी ना लगे, तो उसके लिए मैं किसी से कोई डोनेशन तो मांगता नहीं हूँ। हमारी वेबसाइट है 32bar.com जिसपे ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी, एप्पल साइडर विनेगर, ये सब चीज़ें जो हैं और वो सब चीज़ें सेल होती हैं, और वो दुनिया की बेस्ट क्वालिटी की हैं, और उससे जो भी प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा सेव किया जा रहा है हॉस्पिटल बनाने के लिए, तो वो आप लोग सहयोग करते हो, वहाँ से शॉपिंग करते हो। 32bar.com की ऐप भी है, एंड्रॉयड की ऐप, और वैसे भी 32bar.com वेबसाइट से भी आप लोग ले सकते हैं, तो वहाँ वो सब चीज़ें हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं और तनु दोनों मिलके उस सपने को पूरा करेंगे और पूरी जान लगा देंगे जी, और जल्दी ये दुनिया कोरोना से बाहर भी आएगी। और आप लोग ना, तनु का भी बहुत शौक है व्लॉग्स बनाने का और वीडियोस बनाने का, तो ये अपने साथ ना कैमरा लेके आई है, मैं इन दहेज लेके आई है दहेज और मैंने नहीं मांगा जी इनसे 1 रुपया भी, मैंने तो मना किया था सख्ती से, तो ये अपने लिए एक लैपटॉप और एक डिजिटल कैमरा, मैं तो मोबाइल से बनाता हूँ वीडियो सबकी सब, तो ये लेके आई हैं, अब ये सुंदर सुंदर सी वीडियोस बनाएंगी, मेकअप के ट्यूटोरियल बनाएंगी, और 32 बार के अंदर मेरे को बहुत हेल्प करने वाली है, मुझे ऐसा महसूस होता है, अच्छी लड़की है। मैं 2 शब्द ये भी कुछ कहें, वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो कुछ बताओ, कुछ बताओ, मैं सब मेरे को ही सुने जा रहे हैं, तो आप भी कुछ बोल दो। कल का कंचन बहुत अच्छे से गया, और थोड़ा सा तेज बोलो, कुछ तो बोलो, पहचान करा दो अपनी, और क्या
वीडियो में तो आप बहुत कुछ बोलती हो अभी ये शर्मा रही है और दरअसल क्या है, बहुत सारे रिश्तेदार भी देखेंगे इस वीडियो को, तो बड़े लोग भी देखेंगे। अभी तो ये गुमसुम सी कल से आई है ना बस मुझसे ही बोल रही है घर में चुपचाप सी, तो खैर ये चीज़ भी अच्छी लगती है और मतलब जैसी भी है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, और अच्छी इन द सेंस कोई सौंदर्य को लेके नहीं कह रहा, वैसे भी मतलब व्यवहार जो है वो मैं कई बार बहुत कड़वा हो जाता हूँ, बहुत गुस्से में चला जाता हूँ, तो ऐसे समय में ये मतलब जो इनकी प्रतिक्रिया होती है ना वो काबिले तारीफ है, कमाल की प्रतिक्रिया देती है, तो अच्छा है जी। ये सब आप लोगों का प्यार आशीर्वाद, इसके बिना तो कुछ संभव है ही नहीं। इतना ज़्यादा प्यार दिया कि मतलब मैंने कल जो वीडियो छोटी सी लाइव वीडियो डाली थी और उस पर अथाह प्यार आप लोगों का मिला और ऐसा ही मिलता रहेगा मुझे पूरी उम्मीद है, और मैं अपनी तरफ से पूरे मतलब मेरे तरफ से प्रयास ऐसे रहेंगे कि मतलब जीवन अपना सारा ये लगाऊं कि जिससे लोगों का भला हो। स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, कहते हैं शादी के तुरंत बाद इंसान स्वार्थी हो जाता है, मेरा ऐसा लक्ष्य बिल्कुल नहीं है कि स्वार्थ में पढ़ूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनका भी नहीं होगा, स्वार्थ से दूर रहेंगे, समाज के लिए कुछ करने का सोचेंगे। आप सबका आशीर्वाद जो है वो अपेक्षित है और आपने दिया भी है और देते रहना सारी ज़िंदगी। बहुत सारी वीडियोस छोटी छोटी हम और भी डालेंगे, जब वीडियो क्लिप्स आ जाएंगी ना शादी की तो वो भी डालेंगे, और बहुत कुछ होगा। इंस्टाग्राम पे मेरा जो है सविकार भारद्वाज के नाम से, तो मैं वहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ डालने वाला हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम ही है, और इनका स्माइलिंग गर्ल तनु के नाम से इंस्टा पे इनका भी हैंडल है, तो वहाँ पर आप आइएगा और अपना खूब आशीर्वाद दीजिएगा वीडियो के नीचे। मुझे बड़ी खुशी होती है आप सब लोगों से बातें करके, थैंक यू सो मच। वीडियो बहुत लंबा हो गया, भगवान आप सबका भला करे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।